हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा इवनिंग टू नाइट टाइम रूटीन, जिसके अंदर मैं आपसे कुछ ऐसी हैबिट्स शेयर करने वाली हूँ जिनको अगर आप रेगुलर बेसिस पर फॉलो करें तो आपकी शाम भी बहुत अच्छी जाती है और आपका नेक्स्ट डे भी बहुत ज़्यादा पीसफुल रहता है। तो सबसे पहले शाम को मैं कैंडल जला देती हूँ, उसके बाद हाथ मुँह धोकर अच्छे से संध्या आरती होती है, भगवान का आशीर्वाद लिया जाता है और जो धूप की खुशबू होती है, कैंडल की खुशबू होती है, उससे आपके घर का जो माहौल है वो बहुत अच्छा हो जाता है। इसके बाद ये लोग हाई डिमांड में रहते हैं मेरे ब्लॉग में कि आप होली और रेनबो को ज़रूर दिखाया करें, तो इसीलिए ये क्लिप यहाँ पर ऐड की है। इनको भी खाना दे दिया है और ये मज़े से इधर उधर घूम रही हैं। इसके बाद चलते हैं किचन की तरफ जहाँ पर डिनर की तैयारी हो रही है। तो यहाँ पर मैं आटा बना रही हूँ और शाम को मैं ग्लूटन वगैरह कुछ भी नहीं लेती हूँ, सॉल्ट भी नहीं लेती हूँ, तो बस आटा इन दोनों की, मेरे हस्बैंड और बेटी के हिसाब का ही यहाँ पर बनाया जा रहा है। तो लगभग मैंने 1.25 कप के यहाँ पर लिया है व्हीट फ्लावर, जिसमें मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका सॉफ्ट सा रोटियों वाला आटा बना के तैयार कर लूँगी। रोटियों का आटा यहाँ पे बन गया है और अब है बारी मेरे डिनर की। तो मैं पाइनएप्पल लेने वाली हूँ शाम को। शाम को मोस्टली यही रहता है, पाइनएप्पल होता है या पपाया होता है, या अगर किसी दिन भूख नहीं लगती तो ये पार्ट स्किप करके बस मैं सीधा दूध पी लेती हूँ, 2-3 खजूर ले लेती हूँ साथ में, और वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग रहता है। तो पाइनएप्पल एक बार में ला के वो अच्छे से फिर उसको वॉश करके कट करके मैं एक बार रख लेती हूँ, और जो पूरा एक बड़ा पाइनएप्पल होता है वो मेरा 3 दिन तक आराम से चल जाता है। तो 3 दिन तक मैं फ्रिज में से निकालती हूँ, फिर उसके छोटे छोटे पीसेस करके और फिर खा लेती हूँ। तो पाइनएप्पल की मैं बहुत ज़्यादा बड़ी फ़ैन नहीं हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन जब कोई चीज़ आप रेगुलर बेसिस पर लेना शुरू कर देते हैं तो फिर वो खुद से पसंद आ जाती है। और ये कहा जाता है कि कोई भी फ्रूट या कोई भी फूड गिव अप करने से पहले आपको उसको 12 times ट्राई करना होता है। अगर 12 बार भी उसको ट्राई करने के बाद आपको उसका टेस्ट पसंद नहीं आ रहा है तो फिर आप उसको मत खाइए, लेकिन कोई भी फूड गिव अप करने से पहले एटलीस्ट उसे 12 बार ट्राई ज़रूर करें। तो यही नुस्खा मैं अपनी बेटी के ऊपर भी आजमाती हूँ। वो हमेशा से बोलती है मुझे ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, बच्चे बहुत पिकी होते हैं, लेकिन अब उसको पता लग गया कि शी नीड्स टू ट्राई 12 times। तो अगर आपके घर में भी बच्चे ना सुनते हों तो उनको भी ये बात बताएं, आई एम श्योर वो 12th time जब उस चीज़ को खाएंगे ना, एट दी एंड वो उसको पसंद करने लगेंगे। तो चलिए यहाँ पर अच्छे से कैंडल की खुशबू लेते हुए पीसफुल तरीके से मैं अपना डिनर इन्जॉय करती हूँ और उसके बाद फिर हम मूव करेंगे बाकी के काम की तरफ। और मेरा डिनर यहाँ पर हो गया है। अद्विका चल रहा था, एक्चुअली काम होमवर्क चल रहा था वो, और उसके पापा ऊपर पढ़ रहे थे और पूजा हो गई है, तो यहाँ पर आकर बस वो पूछ रही थी कि मम्मा मेरा बस थोड़ा सा काम रह रहा है, देन आई एम कमिंग। और मैं उससे यही बोल रही हूँ कि बस अब मैं रोटियाँ बनाने वाली हूँ तो दोनों जल्दी से आ जाओ। तो दिया जलता देखा है तो फिर पूजा तो करनी है ही, तो वो अपना हाथ जोड़ के और जाएगी ऊपर, जितना थोड़ा सा उसका काम बचा है वो फिनिश करेगी, फिर ये दोनों नीचे आ जाएंगे और फिर मैं इनको गर्मा गर्म रोटियाँ परोस दूँगी। तो रोटी बनाते हुए आपने मुझे पहले भी देखा है, बट मुझे ये क्लिप ऐड करनी पड़ती है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, दे ऑलवेज से कि दीपिका जब आप रोटियाँ बनाती हैं इट फील्स सो सेटिस्फाइड, ये बहुत अच्छा लगता है, तो इसीलिए मैं इसको ऐड कर देती हूँ। और रोटियाँ बनाना बहुत आसान है लेकिन प्रैक्टिस चाहिए होती है, जब आप डेली उस काम को करेंगे तो फिर आपको आदत हो जाती है और आपकी रोटियां अच्छे बनने लगती हैं, बस थोड़ी सी ट्रिक्स आपको पता होनी चाहिए। तो रोटी जो है जब एक तरफ से सिक जाए ना, तब आपको उसको दूसरी तरफ से फ्लेम पर डालें तो आपकी एक एक रोटी जो है वो फूल जाती है। मेरी रोटियाँ प्रॉपर गोल नहीं बनती हैं, लेकिन ये है कि
जितनी भी रोटी होती है ऑलमोस्ट लाइक 99% फूल ही जाती हैं, तो बस रोटी सिकी हुई होनी चाहिए तो वो बहुत टेस्टी लगती है। तो चलिए मैं फुलके बना लेती हूँ, फिर इनका डिनर सर्व करती हूँ और उसके बाद फिर हम अपने नाइट टाइम क्लीनिंग रूटीन की तरफ चलेंगे, जिससे नेक्स्ट डे मुझे अच्छी सी किचन मिले और मैं खुशी खुशी काम करना शुरू करूँ। तो रोटियां सेकने के बाद जितना भी स्लैब के ऊपर थोड़ा बहुत फ्लार पड़ा हुआ होता है, आटा पड़ा हुआ होता है, वो मैं साथ के साथ साफ़ कर देती हूँ। मैं स्टोव साफ़ नहीं करूँगी क्योंकि वो गर्म होता है, फिर हाथ उसमें जल जाता है, लेकिन स्लैब पर जितना भी पड़ा होता है वो मैं साथ के साथ क्लीन कर देती हूँ। तो उससे क्या होता है कि आपको बहुत ज़्यादा मैस दिखाई नहीं देता है। और यहाँ पर इनका डिनर मैं लगा रही हूँ, तो मैंने बैंगन का भरता बनाया था, दिन में बनाया था एक्चुअली सुबह के टाइम में, और शाम को फिर ये लोग वही ले लेते हैं। और ये मटर डाल के मैंने बनाया है, बहुत टेस्टी लगता है। नॉर्मली बस जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है बैंगन का भरता, उसी तरह बनाना है, बस थोड़ा सा इसमें मैंने मटर और ऐड कर दिया, उससे इसका फ्लेवर और बढ़ जाता है। और फुलके और थोड़ा सा घी डाल के आप इसको सर्व करें, ओ माई गॉड इट्स सो टेस्टी। तो ये लोग डिनर कर रहे हैं, साथ साथ थोड़ी बहुत बातें चल रही हैं। और यहाँ पर मैंने दूध रख दिया है क्योंकि आज दही जमानी है, दही ख़त्म हो जाती है, हम मुझे हर दूसरे दिन जमानी पड़ती ही है। मैं काफ़ी दही लेती हूँ आजकल, बिकॉज प्रीबायोटिक्स काफ़ी अच्छा होता है, उसके अंदर आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, तो मैं उसको छाछ बनाकर काफ़ी ले लेती, दोपहर के टाइम में एक गिलास छाछ में ज़रूर लेती हूँ और रियली उससे डाइजेशन इम्प्रूव होता है। तो इसके बाद अब मैं आ गई हूँ यहाँ पर बर्तन साफ़ करने के लिए। और किसी ने मुझसे अभी कुछ दिन पहले पूछा था कि जब आप बर्तन साफ़ करते हैं तो आपके कपड़े और फ्लोर गीला नहीं होता है क्या? तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। एक तो आप देखें कि सिंक और मेरे बीच में एटलीस्ट 5 इंच का तो फ़र्क होगा ही, तो सिंक थोड़ी अंदर को लगी हुई है, इससे भी बहुत बड़ा डिफरेंस जो है वो मेक होता है। इसके बाद मैं कभी भी जो टैप है वो बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पर ऑन नहीं रखती हूँ। आप देखेंगे कि बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी निकल रहा है और उससे मैं रगड़ रगड़ के बर्तन साफ करती हूँ। तो अगर आप बहुत तेज स्पीड में नल खुला छोड़ेंगे और उसके नीचे आप धुलेंगे तो ऑफ कोर्स फिर छींटे आपको लगेंगे ही। तो थोड़ा थोड़ा आप नल इस तरह से खुला छोड़ें और आप बर्तन धुलें, उससे भी साफ़ धुल जाते हैं, पानी की भी बचत होती है और आपके कपड़े साफ़ सुथरे रहते हैं। हार्डली मैं एप्रिन यूज़ करती हूँ और कभी ऐसा नहीं होता कि मेरे कपड़े जो हैं वो इस तरह से गंदे हो जाएं या इस तरह से गीले हो जाएं, नेवर एवर हैपन, क्योंकि पानी को बहुत एहतियात से यूज़ करती हूँ। तो चलिए बर्तन यहाँ पर धुल गए हैं बात करते करते, इसके बाद इधर साथ ही दूध जो है इसमें भी उबाल आ गया। तो जब तक दूध उबल रहा था तब तक मैंने बर्तन साफ़ कर दिए हैं और दूध उबल गया है, तो जब तक मेरा बाकी का काम होगा तब तक दूध जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर पर रहा जाएगा और उसकी फिर मैं दही जमा दूंगी। इसके बाद इतना काम करके हम थोड़ी देर रिलैक्स करते हैं। इनका डिनर हो गया है, मेरा डिनर हो गया है, किचन की ऑलमोस्ट काइंड ऑफ क्लीनिंग हो गई है, स्टोव बचा है अभी, स्लैब मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया, बर्तन साफ़ हो गए हैं, बस ये कहें कि टच अप बाकी है। तो अभी हम यहाँ बैठकर 10-15 मिनट टीवी देखेंगे, फिर ये लोग जो हैं वो अपना ड्राइंग या कुछ खेलेंगे, लूडो खेलेंगे, बट ये थोड़ा सा फैमिली टीवी टाइम होता है और हम यहाँ पर टीवी एंजॉय कर रहे हैं। और न्यू एम्स्टरडैम का 3rd सीज़न आ गया है, काफ़ी टाइम पहले ही आ गया था, एंड आई लव दैट वेब सीरीज़, प्राइम के ऊपर अवेलेबल है। एक हॉस्पिटल की लाइफ है और इट्स सो नेचुरल, बहुत अच्छी है, बिल्कुल रियल लगता है। अनुपम खेर भी हैं उसमें और अदवी भी देख लेती है, तो अगर किसी के पास प्राइम का है तो आप न्यू एम्स्टरडैम ज़रूर देखें, बहुत अच्छी वेब सीरीज़ है। तो चलिए अब मूव करते हैं किचन की तरफ, ऑलमोस्ट क्लीन ही लग रही है लेकिन अभी इसको बिल्कुल स्पार्कली शाइन करना है। तो दूध जो मैंने गर्म किया है वो मैं अभी डाइनिंग टेबल पर रख दूंगी और जो दही का जो जामुन होता है जिससे दही जमेगी वो भी मैंने रख दिया है, क्योंकि अभी यहाँ पर मैं स्प्रे वगैरह करूँगी तो उससे फिर कहीं ना छींटा पड़ जाए कुछ भी दूध के अंदर, तो इसलिए मैंने खाने की जो चीज़ है वो एक तरफ रख दी है। इसके बाद अब यहाँ पर मैं स्टोव क्लीन करूँगी, तो पहले मैंने गीले कपड़े से स्टोव को
क्लीन कर लिया है ताकि उसके ऊपर जो भी आटा वगैरह पड़ा हुआ था वो हो जाए। इसके बाद मैंने ये स्क्रब लिया है जिससे मैं बर्तन साफ़ करती हूँ, और उसमें मैंने डिशवॉश लिक्विड लगाया है और उससे मैं इसको अच्छे से स्क्रब कर दूँगी। और साथ ही जो ये बैक वाली वॉल होती है, बैक स्प्लैश, इस पर भी मैं करती हूँ। तो ये मेरा डेली का रूटीन है। उससे क्या होता है कि टाइल्स आपकी बहुत ज़्यादा ग्रीजी नहीं होती हैं कि बहुत ग्रीस जमा हो जाए। तो आप दिन का कोई भी एक टाइम आप फिक्स कर लें कि रात को या फिर दोपहर को आप इसको क्लीन करें, तो उससे ये बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होगा और बहुत ज़्यादा ग्रीस जमा नहीं होती है, जो बहुत अजीब लगती है। और हमारे इंडियन खाने इस तरह के हैं कि एवरी टाइम तड़का तो लगता ही लगता है कि तड़का आपको लगाना है, या एक टाइम कभी पराठे बन गए, हालांकि मेरे घर में कम बनते हैं पराठे, बट फिर भी हमारी कुकिंग इस तरह की है कि छींटे इधर उधर लग ही जाते हैं। और अगर आप एक दिन भी क्लीन ना करें तो फिर वो गंदा होने लगता है, स्मेल भी बहुत अजीब सी आने लगती है। तो मैं जैसे रात का मैं अपना रूटीन ये फिक्स रखती हूँ कि मुझे अपना जो गैस स्टोव है वो अच्छे से मांझना है, साथ ही जो पीछे वाली ये टाइल्स हैं ये भी मैं मांझ देती हूँ। तो मेरी किचन आपको कभी ऐसा गंदी नहीं दिखाई देगी कि कहीं कोई छींटा लगा हुआ है, कुछ चीज़ ख़राब है। तो इसको मैंने गीले कपड़े से ही साफ़ किया है, और बीच में मैं इसको जा के वॉश करती रहूँगी, और जब तक ये बिल्कुल अच्छे से स्पार्कली शाइन नहीं हो जाएगी। और यहाँ पर मैंने कुछ ऐसा स्प्रे नहीं किया है, सिर्फ डिशवॉश लिक्विड जो है उसी से मैंने क्लीन किया है। साथ ही जो फ्रेम्स होते हैं इनको भी मैं गीले कपड़े से साफ़ कर लूँगी। और फाइनली इसके ऊपर से सारा सोप जो है वो क्लीन हो चुका है, और एक बार और मैं अच्छे से इस कपड़े से इसको क्लीन कर दूँगी, और उसके बाद फिर मैं जाली लगा दूँगी। और अब नेक्स्ट स्टेप आता है बिल्कुल अच्छे से डिसइंफेक्टेंट करने का सारी चीज़ों को। तो ये मेरा मेथड का स्प्रे है एंटीबैक्टीरियल। इसकी खुशबू इतनी अच्छी है ना कि बिल्कुल इतनी अच्छी महक हो जाती है, सफाई करते हुए भी बड़ा मन लगता है। ब्लीच वगैरह की कोई चीज़ डाले ना आप तो फिर वो सफाई में भी मन नहीं लगता, क्योंकि वो चढ़ती इतनी ज़्यादा है, लेकिन इसकी खुशबू इतनी अच्छी है कि सफाई करना भी बड़ा मज़ेदार लगता है। तो थोड़ा थोड़ा स्प्रे जो है वो मैंने जितनी भी ऊपर वाली कैबिनेट्स उन सब पे डाल लिया है। और उसके बाद गीला कपड़ा लेके, वही एक कपड़ा है जो मैं हर जगह यूज़ कर रही हूँ, बीच बीच में इसको वॉश कर लेती हूँ जाके, और उससे मैं सारी कैबिनेट्स जो हैं वो क्लीन कर दूँगी। तो ये मेरा एवरीडे का रूटीन है, और मैं कहूँगी आप लोगों से कि आप भी इसी तरह से फॉलो करें, तो फिर आपको किचन को डीप क्लीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि बहुत ज़्यादा गंदी हो गई, अगर आप ये अपना एक रूटीन बना लें। और अगर आप डेली आप इस चीज़ को करेंगे तो वो इतना गंदा नहीं होता, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कि बहुत ज़्यादा आप रगड़ रहे हैं, बहुत दिक्कत हो रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। और पूरा ये जो मेरा नाइट टाइम क्लीनिंग रूटीन होता है, ये स्प्रे करना, अच्छे से वाइप करना, हार्डली टेक्स 20 मिनट, और ये 20 मिनट्स मुझे नेक्स्ट डे इतना ज़्यादा रिलैक्स करते हैं कि मैं किचन में आती हूँ खुशबूदार, इतनी अच्छी किचन मेरी रहती है, काम करने में भी मन लगता है। और ये ख़त्म होने वाला है तो मैं दिखा देती हूँ आपको। तो ये मेथड का है, और अगर मुझे लिंक मिला तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। वैसे यहाँ पर तो सारे सुपरमार्केट्स में अवेलेबल है, नॉट श्योर अबाउट अदर कंट्रीज़, बट मैथड इज़ क्वाइट पॉपुलर ब्रांड, और बहुत अच्छी रहती है, बहुत अच्छी अच्छी खुशबू रहती है। तो मैं पूरे घर में जितना भी होता है या तो मैथड यूज़ करती हूँ या फिर जफ्लोरा यूज़ करती हूँ। जफ्लोरा भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, बट अभी मेथड का ही मेरे पास रखा ही हुआ था तो फिलहाल यही यूज़ कर रही हूँ। बाकी जफ्लोरा इज़ सो गुड, बहुत अच्छी अच्छी खुशबू होती है। तो मैंने अपना जो काउंटर टॉप है वो भी स्प्रे से अच्छे से क्लीन कर दिया है। इसके बाद बारी आती है इस कपड़े को क्लीन करने की। तो इस कपड़े को मैं डिश सोप लिक्विड जो है बस इसी से क्लीन कर देती हूँ, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और दिन में मैं इसको 3 बार इस तरह से धुलती हूँ, सुबह को ब्रेकफास्ट के बाद, फिर लंच के बाद, और फिर अब डिनर के बाद। तो 3 बार ये डिश सोप लिक्विड से साफ़ किया जाता है, और जो ये एक कपड़ा है ये 1 हफ्ते तक आराम से चल जाता है और बढ़िया रहता है, अच्छे से सोक करता है। और ये मैं विल्को से बाय करती हूँ, 69p के ये 10 कपड़े मिलते हैं, और आराम से मेरे 2-2.5 महीने इसमें निकल जाते हैं। अगर ज़्यादा डीप क्लीनिंग हो गई तो 1-2 एक्स्ट्रा लगे, और देखिए ये जो है इसमें छेक भी हो रहे हैं, फट भी रहा है, लेकिन अभी ये कल का दिन और निकालेगा, उसके बाद फिर हम इसको फेंकेंगे। और ये रिसाइकल भी हो जाता है, ऑल पर्पज़ क्लॉथ के नाम से आता है।
सबसे लास्ट फिट जो सफाई की बची है वो है फ्लोर को क्लीन करना, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैंने फ्लोर पे भी वही स्प्रे किया है और इसके बाद मैं इसको मोप कर दूंगी, क्योंकि शाम को आजकल इतनी ज़्यादा कुकिंग नहीं होती है कि मैं सब्जी भी बना रही हूँ या कुछ और हो रहा है, तो इसीलिए अब शाम को जो है वो यहाँ पर वैक्यूम नहीं होता है। ऑल्टरनेट डे वैक्यूम करती हूँ, क्योंकि रात को वैक्यूम करके, अगर नीचे का फ्लोर रात को वैक्यूम करके हम लोग सो जाते हैं, अगर लगता है कि हाँ कुछ चीज़ें गिरी हुई हैं या अद्वी ने अपनी ड्राइंग करके रबर जो है उसके पार्टिकल्स इधर उधर गिरा दिए हैं, तो फिर हम कर देते हैं। बट एवरी डे मैं अब रात को वैक्यूम नहीं कर रही हूँ, पहले मैं किया करती थी लेकिन अब मैंने वो स्किप कर दिया है, क्योंकि इतना ज़्यादा अब रात के खाने का मैस होता नहीं है। तो अब यहाँ पर मैं अपने हाथ जो हैं वो अच्छे से वॉश कर लूँगी। एंड लुक एट ऑल द स्टेप्स, दिस इज़ मस्ट इम्पोर्टेंट, आजकल इस तरह से ही आपको अपने हाथ धुलने हैं, क्योंकि कोविड चल रहा है और हाथ धोने अच्छे से आने चाहिए। तो ये वो स्टेप्स हैं जो मुझे सारे अद्वी ने सिखाए हैं, जो उसको उसके स्कूल में सिखाए गए थे। तो हाथ यहाँ पर वॉश हो गए, उसके बाद मुझे एकदम से ये दिखाई दिए फिल्टर्स चिमनी के, और ऑलमोस्ट लाइक एक डेढ़ महीना हो गया मैंने इनको क्लीन नहीं किया था, क्योंकि बीच में मैं बीमार भी रही हूँ 2-3 हफ्ता, तो पॉसिबल नहीं हुआ डीप क्लीन करने का। बट इनको देख के आज मुझसे रुका नहीं गया कि इनको मैं आज सो करके रख ही देती हूँ। डिश वॉशर हो आपके पास तो ये बड़ी आसानी से साफ़ हो जाते हैं, लेकिन मेरे पास डिश वॉशर नहीं है, तो मैंने यहाँ पर गर्म पानी ऑन किया है टैप का और थोड़ा सा डिश वॉश लिक्विड डाला है, साथ ही मैं इसमें ये ब्लीच डाल रही हूँ। ये थिन ब्लीच है, थिक नहीं है और सभी जगह मिल जाती है, जो नॉर्मल ब्लीच होती है वही आपको डालनी है। और इसके बाद मैंने कैटल में बिल्कुल गर्म पानी कर लिया था, लाइक ये बॉयलिंग हॉट है, तो जो सिंक के मैं आपको पानी दिखाई दे रहा है वो सारा अच्छा खासा गर्म पानी है, और थोड़ा सा डिश सोप लिक्विड है, थोड़ी सी ब्लीच है, ये सारी चीज़ें डालकर और एक बार मैं इसको मिक्स कर दूंगी ताकि सारा अच्छे से झाग हो जाए इसमें और ब्लीच भी चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। और फिर हम ये फिल्टर्स इसमें डाल देंगे, पूरी रात ये इसमें सोक होते रहेंगे। नेक्स्ट डे सुबह उठ के मैं इसको ब्रश से क्लीन करके साफ करके लगा दूंगी। और ये मैंने अपनी किचन डीप क्लीनिंग में आपके साथ शेयर भी किया था पहले भी, तो मैं पूरा प्रोसेस नहीं दिखाऊंगी, बस यहाँ पे मैं आपको डिप करने तक का पार्ट दिखा रही हूँ, क्योंकि मैं इनको सुबह उठ के क्लीन करूंगी और आज का जो रूटीन है वो सिर्फ नाइट टाइम रूटीन है। तो इस तरह से आप अपनी जो वेंट के होते हैं फिल्टर्स वो ईजिली क्लीन कर सकते हैं, बिना किसी मेहनत के बहुत आसानी से हो जाते हैं। और अब सोने जाने से पहले जो लास्ट काम किचन का होता है वो है कुछ चीज़ें सोक करना। तो मैंने आलमंड्स यहाँ पर सोक कर दिए हैं, बादाम, और साथ ही थोड़ी सी मुनक्का, सुल्ताना जो होती है, सुल्ताना भी बहुत अच्छी रहती है डाइजेशन के लिए, साथ ही चिया सीड्स में यहाँ पे अपने सोक करके रख रही हूँ, इनके अंदर बहुत ज़्यादा फाइबर होता है एंड अगेन डाइजेशन के लिए आपको फाइबर ज़्यादा चाहिए, तो आपको फ्रूट्स ज़्यादा खाने हैं, चिया सीड्स आप लें या फ्लैक्स सीड्स लें, तो मैं जितना हो सकता है हेल्दी हेल्दी चीज़ें इंक्लूड कर रही हूँ। तो पानी डाल के मैंने उनको सोक करके रख दिया है। और इधर हस्बैंड आ गए हैं दही जमाने के लिए। मेरे घर में मोस्टली दही जो है वो ये जमाते हैं, आई डोंट नो क्यों, कि जब भी मैं दही जमाती हूँ तो वो पतला जमता है और जब भी ये जमाते हैं तो बिल्कुल थिक चक्का, बिल्कुल बहुत अच्छी जमती है। तो एटलीस्ट एक काम तो मैंने इनके भरोसे छोड़ दिया है कि मैं दूध गर्म करके सारी चीज़ें अरेंज करके रख देती हूँ और इनसे बोलती हूँ कि चलो दही जमा दो। तो इन्होंने यहाँ पर दही में जामुन लगा, लाइक दूध में जामुन लगा दिया है और मैंने अपना योगर्ट मेकर रख दिया है, सुबह तक दही जम जाएगी। और यहाँ पर मैं आपको अपनी किचन जो है वो सारी एक बार दिखा देती हूँ कि सोने जाने से पहले कैसा हाल होता है। तो यहाँ पर फिल्टर्स जो हैं वो डिप हो रहे हैं, ये है मेरी डिटॉक्स ड्रिंक, ये भी मैंने बना के रख दी है, कैसे बनती है मैंने पहले कई बार शेयर किया है, नेक्स्ट डे मैं उसको छान छान के पीती रहूँगी। यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो सोक करके रख दी हैं, जो बादाम है वो हम सब के लिए हैं, तीनों के लिए, और चिया सीड्स मेरे लिए हैं और मुनक्का जो है वो हस्बैंड के लिए है। दही जम गई है, पानी बॉयल कर दिया है और सब कुछ जो है वो बिल्कुल चकाचक है ऊपर से लेके नीचे तक। दिस इज़ बेस्ट फीलिंग। और मीनवाइल इन लोगों ने लिविंग रूम जो है वो भी अच्छे से टाइडी कर दिया, तो मेरा जो नीचे का फ्लोर है वो बिल्कुल क्लीन है। तो सुबह आते ही सिर्फ मुझे कर्टेन्स हटाने और मुझे ऐसा लगेगा कि मेरा घर बिल्कुल साफ सुथरा पड़ा है। तो सोने से पहले अगर आप ये सारे काम कर लेना तो इतनी सुकून भरी नींद आती है ना, और फिर उतनी ही सुकून भरी आपकी दिन की शुरुआत होती है।
तो चलिए, घर की क्लीनिंग तो हो गई, उसके बाद बारी आती है अपनी क्लीनिंग की। तो रात को हमेशा सोने से पहले आपको अच्छे से अपने हाथ पैर और मुंह अपना वॉश करना है। कोई भी वेदर हो, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, लेकिन आपको फेस वॉश करना है, हैंड वॉश करना है और अपने जो पैर हैं वो भी अच्छे से वॉश करने हैं। फिर आप देखेंगे कि क्या मस्त नींद आती है। और अगर ज़्यादा गर्मी हो रही है तो शाम को शावर भी ले लें। तो मैंने अद्वी के हाथ पैर मुँह अच्छे से धुल दिए थे, उसकी मैंने क्रीम लगा दी है और अब मैं अपनी थोड़ी सी पैम्परिंग कर रही हूँ। तो रोज़ स्प्रे मैंने किया है, इसके बाद नाइट क्रीम लगा रही हूँ मैं अपनी, और ये घर की बनी हुई है नाइट क्रीम है, जल्दी ही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स आ रहे हैं। मैंने रिसेंटली ही बनाई है, काफ़ी टाइम पहले बनाती थी, उसके बाद बीच में छोड़ दिया था आलस के लिए, लेकिन अभी मैंने फिर से बनाई है। 100% आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इसके बाद हाथों को अच्छे से मॉइस्चराइज करें, पैरों को अच्छे से मॉइस्चराइज करें, क्योंकि पूरी रात ये अच्छे से हील होने वाले हैं। पूरा दिन बर्तन साफ़ होते हैं, सफाई होती है, दुनिया भर का हम लोग काम करते हैं। तो रात को सोने से पहले अपना ध्यान रखें, अपनी स्किन का ध्यान रखें। एक भले ही 5 मिनट का आप अपना स्किन केयर रूटीन फॉलो करें, लेकिन फॉलो ज़रूर करें। कुछ नहीं बिगड़ता है 5 मिनट में। 5 मिनट अगर आप बाद सो जाएंगे तो कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, लेकिन अगर आप ये 5 मिनट इन्वेस्ट करेंगे ना अपने ऊपर, तो आप देखेंगे कि कितना बड़ा फर्क आएगा। और अब है स्टोरी टाइम। तो अद्वी आजकल ये बुक पढ़ रही है, बिगनेट्स वाली, एंड उसको बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है मेरी तरह, किताबी कीड़ा। तो ये वो टाइम होता है जब हम लोग कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो होती है वो बिल्कुल अवॉइड करते हैं, सोने से पहले एटलीस्ट 45 मिनट, और बात होती है, स्टोरी टाइम होता है, और आराम से एक फैमिली टाइम हम इंजॉय करते हैं पीसफुल तरीके से, उसके बाद फिर हम सोते हैं। और एक बात यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगी कि जब मैं छोटी थी तो दादी हमें कहानियाँ सुनाया करती थी, बहुत अच्छी अच्छी कहानी। मेरी दादी के पास पिटारा था कहानियों का। और अब मैं बड़ी हुई हूँ तो अब अद्वी मुझे कहानियाँ सुनाती है बुक्स पढ़ पढ़ के, तो मेरा तो मौका ही नहीं आया कि मैं कभी किसी को कहानी सुनाऊँ। सो बट इट्स गुड, मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि वो डिवाइस के ऊपर, किसी भी टैबलेट, मोबाइल, इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा टाइम नहीं देती है। उसको टाइम लगता है वो या तो अपनी आर्ट करती है, उसको स्केचेस पसंद हैं, या फिर वो बुक रीड करती है। एंड आई एम सो हैप्पी, क्योंकि आजकल बच्चे इतने ज़्यादा आदी हो गए हैं मोबाइल्स के कि उनको हटाना बहुत मुश्किल है। बट बच्चे उन चीज़ों से तभी हटेंगे, तब आप हटेंगे। अगर आपके हाथ में 24 घंटे मोबाइल रहता है तो आप बच्चों को कैसे मना करेंगे? अगर आप वही काम करते हैं तो आपको कोई हक नहीं है बच्चों को वो काम करने से रोकने का। तो पहले आपको अपनी हैबिट्स चेंज करनी पड़ेंगी, तब आपके बच्चे उस चीज़ को चेंज करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली बच्चे अपने घर से ही सीखते हैं। तो यही थी मेरी आज की वीडियो, मेरा इवनिंग टू नाइट टाइम रूटीन। यही सारी चीज़ें मैं एवरी डे फॉलो करती हूँ, इससे मुझे बहुत तसल्ली मिलती है, मेरा नेक्स्ट डे बहुत अच्छा जाता है। एंड आई होप इस वीडियो से आपको भी थोड़ी बहुत कुछ इंस्पिरेशन मिलेगी और आप लोग भी फॉलो करेंगे। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर। और मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी एक और अच्छी सी प्यारी सी वीडियो के साथ। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड बाय बाय।